इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब माता कुंती महारथी कर्ण से मिलने आती है और कर्ण से कहती है कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हें पांडवों की तरफ से युद्ध करना चाहिए न कि कौरवों की तरफ से, इस पर महारथी कर्ण क्या जवाब देते हैं और किस प्रकार वो कुंती को कहते हैं कि आपके 500 पुत्र जीवित रहेंगे, ये सब जानने के लिए आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त रतन सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फैक्ट। जब माता कुंती कर्ण से कहती हैं कि कर्ण तुम मेरे पुत्र हो, तुम पांडु के पुत्र हो, तुम कौरवों के साथ मत रहो और पांडवों के साथ मिल जाओ, ये बात कुंती और कर्ण के बीच हो ही रही थी कि इतने में सूर्य मंडल से एक वाणी प्रकट हुई जो सूर्य देव की ही कही हुई थी। उसमें पिता के समान स्नेह भरा हुआ था और वह दुर्लभ्य प्रतीत होती थी। कर्ण ने उसे सुना। वह वाणी इस प्रकार थी, नरश्रेष्ठ कर्ण, कुंती सत्य कहती हैं, तुम माता की आज्ञा का पालन करो, उसका पूर्ण रूप पालन करने पर तुम्हारा कल्याण होगा। व्यासम पाइन जी कहते हैं, जन्मेजय, माता कुंती और पिता साक्षात सूर्य देव के ऐसा कहने पर भी उस समय सच्चे धैर्य वाले कर्ण की बुद्धि विचलित नहीं हुई। कर्ण बोला, राजपुत्री, तुमने जो कुछ कहा है उस पर मेरी श्रद्धा नहीं होती, तुम्हारी इस आज्ञा का पालन करना मेरे लिए धर्म का द्वार है, इस पर भी मैं विश्वास नहीं करता। तुमने मेरे प्रति जो अत्याचार किया है वह महान कष्टदायक है। माता, तुमने जो मुझे पानी में फेंक दिया वह मेरे लिए यश और कीर्ति का नाशक बन गया। यद्यपि मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था तो भी तुम्हारे कारण क्षत्रियोचित संस्कार से वंचित रह गया। कोई भी शत्रु मेरा इससे बढ़कर कष्टदायक एवं अहितकारक कार्य और क्या कर सकता है। जब मेरे लिए कुछ करने का अवसर था उस समय तो तुमने यह दया नहीं दिखाई, और आज जब मेरे संस्कार का समय बीत गया है ऐसे समय में तुम मुझे छात्र धर्म की ओर प्रेरित करने चली हो। पूर्व काल में तुमने माता के समान मेरे हित चेष्टा कभी नहीं की और आज केवल अपने हित की कामना रखकर मुझे मेरे कर्तव्य का उपदेश दे रही हो। श्री कृष्ण के साथ मिले हुए अर्जुन से आज कौन वीर भय मानकर पीड़ित नहीं होता। यदि इस समय मैं पांडवों की सभा में सम्मिलित हो जाऊं तो मुझे कौन भयभीत नहीं समझेगा। आज से पहले मुझे कोई नहीं जानता था कि मैं पांडवों का भाई हूँ। युद्ध के समय मेरा ये संबंध प्रकाश में आया है। इस समय यदि पांडवों से मिल जाऊं तो क्षत्रिय समाज मुझे क्या कहेगा। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने मुझ पर सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुएं दी हैं और मुझे सुखपूर्वक रखते हुए सदा मेरा सम्मान किया है। उनके उस उपकार को मैं निष्फल कैसे कर सकता हूँ। शत्रुओं से वैर बांधकर जो नित्य मेरी उपासना करते हैं तथा जैसे वसुगण इंद्र को प्रणाम करते हैं उसी प्रकार जो सदा मुझे मस्तक झुकाते हैं, मेरे ही प्राण शक्ति के भरोसे जो शत्रुओं के सामने डटकर खड़े होने का साहस करते हैं और इसी आशा से जो मेरा आदर करते हैं, उनके मनोरथ को मैं छिन्न भिन्न कैसे करूँ। जो मुझको ही नौका बनाकर उसके सारे दुर्लभ्य समर सागर को पार करना चाहते हैं और मेरे ही भरोसे अपार संकट से पार होने की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस संकट के समय मैं कैसे त्याग दूं? दुर्योधन के आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करने वालों के लिए यही उपकार का बदला चुकाने के योग्य अवसर आया है। इस समय मुझे अपने प्राणों की रक्षा न करते हुए उनके ऋण से उऋण होना है। जो किसी के द्वारा अच्छी तरह पालित पोषित होकर कृतार्थ होते हैं परंतु उस उपकार का बदला चुकाने योग्य समय आने पर जो अस्थिर चित्त पापात्मा पुरुष पूर्वकृत उपकारों को न देखकर बदल जाते हैं, वे स्वामी के अन्न का अवहरण करने वाले तथा उपकारी राजा के प्रति अपराधी हैं। उन पापाचारी कृतिज्ञों के लिए न तो ये लोक सुखद होता है और न ही परलोक। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता, धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए मैं अपनी शक्ति और बल के अनुसार तुम्हारे पुत्रों के साथ युद्ध अवश्य करूँगा, परंतु उस दशा में मैं दयालुता तथा सज्जनोचित सदाचार की रक्षा करता रहूँगा। इसलिए लाभदायक होते हुए भी तुम्हारे इस आदेश को मैं आज नहीं मानूंगा, परंतु मेरे पास आने का जो कष्ट तुमने उठाया है वह भी व्यर्थ नहीं होगा। संग्राम में तुम्हारे चार पुत्रों को काबू के अंदर तथा वध के योग्य अवस्था में पाकर भी मैं उन्हें जीवित छोड़ दूंगा। वे चार हैं, अर्जुन को छोड़कर युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर की सेना में अर्जुन के साथ ही मेरा युद्ध होगा। अर्जुन को युद्ध में मार देने पर मुझे संग्राम का फल प्राप्त हो जाएगा अथवा स्वयं ही स्वयं साक्षी अर्जुन के हाथ से मारा जाकर मैं यश का भागी बनूंगा। यशस्विनी, किसी भी दशा में तुम्हारे 5 पुत्र अवश्य शेष रहेंगे। यदि अर्जुन मारे गए तो कर्ण सहित
और यदि मैं मारा गया तो अर्जुन सहित तुम्हारे 5 पुत्र रहेंगे। महारथी कर्ण की बात सुनकर कुंती धैर्य से विचलित न होने वाले अपने पुत्र कर्ण को हृदय से लगाकर दुख से कांपती हुई बोली, कर्ण देव बड़ा बलवान है, तुम जैसा कहते हो वैसा ही हो। इस युद्ध के द्वारा कौरवों का श्रृंगार होगा। शत्रुसुदन, तुमने अपने 4 भाइयों को अभय दान दिया है, युद्ध में उन्हें छोड़ देने की प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो। इस प्रकार जब कुंती ने कर्ण से कहा तब कर्ण ने भी तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। फिर वे दोनों पृथक पृथक अपने स्थान को चले गए। बस आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए।